सारे की सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। सारे के जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे जो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे मैं लेके आया हूँ आपके डाउट्स। सारा कुछ प्रोसीजर वगैरह जो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सारा का सारा। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसीजर इग्नू का कि इग्नू के अंदर हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखो बच्चों, एडमिशन जो हमारे पास स्टार्ट होती है इग्नू में हमारे पास दो फेज में एडमिशन स्टार्ट होती है। एक हमारी होती है जनवरी में स्टार्ट होती है और दूसरी हमारी स्टार्ट होती है जून के अंदर। तो दो फेज में हमारे एडमिशन स्टार्ट होती है। अभी जो हम बात करने वाले हम जून फेज के बारे में बात करें। वैसे फेज तो हमेशा एडमिशन का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बस ये होता है कि इग्नू के अंदर आप दो बार एडमिशन ले सकते हो। कुछ बच्चे जनवरी में लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जून और जुलाई में लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इग्नू में एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस देना पड़ेगा, किस टाइप का एंट्रेंस होता है, कैसा एंट्रेंस होता है। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इग्नू में एडमिशन लेने के लिए किसी भी टाइप का एंट्रेंस नहीं होता है। यहाँ पे एडमिशन आप विदाउट एंट्रेंस ही ले सकते हो और यहाँ पे कोई भी मेरिट लिस्ट भी नहीं बनती है। तो हम बात कर लेते हैं एडमिशन स्टार्ट। तो अभी जो वाला जो लास्ट डेट रखी गई है 2023 के अंदर लास्ट डेट है वो 30 जून है। एक चीज बता देता हूँ कि इग्नू के अंदर हमेशा जो ये लास्ट डेट रखी जाती है वो थोड़ी हमेशा एक्सटेंड होती है। तो इसका बार भी जो है एक्सटेंड होगी। इन्होंने अभी जो बात बोली है कि 30 जून हमारी लास्ट डेट है, तो डेफिनेटली 90% चांस है कि ये जो डेट है ये एक्सटेंड होगी। आप चेक करते रहिए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई अपडेट आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी बात जो मेरे पास अपडेट है वो यही है कि 30 जून जो इन्होंने लास्ट डेट रखी है और मैक्सिमम चांस है कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन मोड की। इग्नू के अंदर दो तरह के एडमिशन मोड होते हैं, ठीक है, एक होता है ओडीएल और एक होता है ऑनलाइन। अब ओडीएल क्या होता है? ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ऑनलाइन अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने शुरू किया है हाल ही में, ठीक है, और 90% जो बच्चे हैं वो ओडीएल के अंदर एडमिशन लेते हैं यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर। और हम आज ओडीएल के बारे में ही बात करेंगे। ऑनलाइन में बड़ी मुश्किल से 10% बच्चे हैं जो एडमिशन लेते हैं। अब ऑनलाइन में प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आपको कॉलेज नहीं जाना होता, आपको जितना भी प्रोसेस करना है वो सारा का सारा घर बैठ के करना है। सारे असाइनमेंट जो है वो घर बैठ के अपलोड करनी है, कोई बात करनी है, कोई डॉक्यूमेंट करना है, कुछ भी अगर कोई लेक्चर लगाना है, कुछ भी लगाना है, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है। आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और ऑनलाइन में यही है कि आपको जितनी भी असाइनमेंट है, मतलब सारा का सारा जो प्रोसीजर है बस आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। लेकिन ओडीएल में क्या है, आपका इससे उल्टा हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो भी 10% ही हैं मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ओडीएल को ही चूज करते हैं। बस ऑनलाइन में एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा, उसके अलावा पूरा सेमेस्टर पूरा साल तक आपको जो है कॉलेज नहीं जाना है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ऑडियल करना है तो ऑडियल कर लो, ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑडियल एडमिशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% ऑडियल में एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो हम यहाँ पे ऑडियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑडियल एडमिशन में क्या प्रोसीजर होता है? ऑडियल एडमिशन प्रोसीजर में आपके पास बच्चे दो चीजें आती हैं। ऑडियल एडमिशन प्रोसीजर में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है रीजनल सेंटर और एक होता है स्टडी सेंटर। रीजनल सेंटर जो है वो हर स्टेट के सिटी का अलग अलग होता है। जैसे एक लखनऊ का अलग से होगा, गाजियाबाद में अलग से होगा, देहरादून का अलग से होगा, दिल्ली फेस वन में अलग होगा, दिल्ली नॉर्थ साउथ में, ऐसे अलग अलग टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो आपको अपने पास जो है वो पता कर लेना है कि आपका जो रीजनल सेंटर है वो कहाँ पे पड़ता है और रीजनल सेंटर में होता क्या है। रीजनल सेंटर में अगर आपको कोई अपनी डीएमसी आती है या कोई भी शीट है, आंसर शीट है, या कोई भी क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड या कुछ भी जो क्वेरी आती है, ठीक है, आपके मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नाम के अंदर दिक्कत है या किसी टाइप का भी इशू है, वो सारा का सारा आपका रीजनल सेंटर के अंदर सॉल्व होगा। ऐसा तो नहीं है कि फटाफट हर इग्नू के अंदर भागे जाओगे, इग्नू के अंदर नहीं, आपके आसपास जो भी रीजनल सेंटर है आपकी जो क्वेरीज है वहां पे जो है सॉर्ट आउट होंगी। और स्टडी सेंटर में क्या होता है, स्टडी सेंटर में आपको जैसे कोई भी डाउट आता है कि आपको जो असाइनमेंट्स जमा करानी है, ठीक है, असाइनमेंट्स के रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है, आपके असाइनमेंट आई या नहीं आई, सबमिट करवानी है असाइनमेंट, ठीक है, या कोई भी प्रोसीजर इस टाइप का करना है, बुक्स के रिलेटेड, पीडीएफ के रिलेटेड, वो सारा का सारा आपका जो है स्टडी के सेंटर के अंदर जो है देखा जाएगा, ठीक है। रीजनल सेंटर में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्लैरिफाई करनी है या क्वेरी करनी है, कुछ भी करना है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, वो रीजनल सेंटर में। और पीडीएफ वगैरह का अगर आपको कोई प्रोवाइड करवानी है, कोई चाहिए असाइनमेंट वगैरह सबमिट वगैरह करवानी है, वो सारा कुछ स्टडी सेंटर में। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या उससे पहले बात करते हैं फीस की। हमारे पास फीस की बात कर लेते हैं, फीस क्या आती है। फीस के लिए देखो बच्चों, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी प्लस आपकी कोर्स फी लगेगी। अब देखो इग्नू के अंदर 250 प्लस कोर्सेज है। अब हर एक कोर्स की फी जो है वो हम बात नहीं ना कर सकते कि स्पेसिफिक कोर्स की, तो इतनी बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। 250 प्लस कोर्सेज है इग्नू की, हर स्पेशली जो कोर्स की फीस हम नहीं बता सकते। रजिस्ट्रेशन आपकी होगी 400-500 मैक्सिमम 1000 के अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस वो हो जाती है। 500 से 1000 के बीच में आपका फॉर्म होता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वो प्लस आपकी जितने जो भी आप कोर्स चूज करोगे उस हिसाब से जो आपकी वो फी लगेगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेने के लिए देखो आपको जो है यूजी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के बीबीए बीसीए वगैरह कुछ में एडमिशन लेनी है,
10th और 12th की आपको जो है मार्कशीट चाहिए, और जिन बच्चों ने पीजी में एडमिशन लेनी है पोस्ट ग्रेजुएट उनको 10th का भी चाहिए, 12th का भी चाहिए, और यूजी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है जो भी आपने वो सारा कुछ लेके जाना है वो सारा का सारा जो है ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स होंगे क्या, देखो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी होगी ये सारा को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स में, ये सारा का सारा जो आपको एडमिशन लेनी है ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा, आपका इग्नू नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो भी चीज प्रोसीजर ये सारा कंप्लीट करना पड़ेगा ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पोर्टल ओपन होगी वहां पे आपको ये सारा जो प्रोसीजर है वो डन करना पड़ेगा, सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होता है, सारा का सारा प्रोसीजर आपको घर बैठ के ही करना पड़ेगा कंप्लीट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, नो, हमें कोई डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का वेरिफिकेशन नहीं करवाना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सिर्फ 10th और 12th का सर्टिफिकेट, बाकी टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट एमसीवर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, और जिन बच्चों ने पीजी में लेनी है उनको साथ में यूजी की मार्कशीट वगैरह या सर्टिफिकेट उनका लगेगा। इसके अलावा आपको ना कोई टीसी चलेगी आपका, ना कोई एमसी चलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह ट्रांसफर सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं आपका चलेगा, ठीक है, किसी की भी नीड नहीं है। उसके अलावा एक चीज और की जरूरत पड़ेगी, आपके पास कोई अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो जैसे पैन कार्ड हो कुछ भी हो वो आपके जरूर साथ में लगेगा। उसके बाद बात कर ले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो वेरीफाई नहीं करवाना है, कहीं से भी वेरिफिकेशन नहीं होगी आपकी, नो, एवरी प्रोसेस शुड बी डन ऑनलाइन। तो आपको जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन होना है, घर बैठे ही आपको सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा प्रोसीजर आपको घर बैठ के ही डन करना है, ऑनलाइन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरह से कहीं से भी आपने वेरिफिकेशन नहीं करवानी है उसकी। अब बात कर लेते हैं, आपको एक चीज और का ध्यान रखना है, जब भी आपने एडमिशन पोर्टल ओपन करनी है, जब भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं तो हमेशा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, यानी कि एचडी होने चाहिए, ब्लर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ना ही ब्लैक होने चाहिए। जो कोशिश करें जितने ज्यादा आप उसे अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन अपलोड करें उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। उसका क्या बेनिफिट होगा मैं आगे चल के बताता हूँ। क्लीन अपलोड ऑल थिंग्स, अगर आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, ऑल थिंग्स जितनी भी आप अपलोड कर रहे हो एचडी में ही अपलोड करें, किसी भी तरह का ब्लर या ब्लैक एंड ब्लैकिश में कोई भी चीज जो अपलोड ना करें। अब उसके बाद कितने दिनों में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ये तो हो गया अब एडमिशन का प्रोसीजर, हमने पोर्टल ओपन हुई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगेगी, ऑनलाइन में ही आपकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो सबमिट हो जाएगी, कितनी होगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 500 से 1000 के बीच में होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन कंफर्म, कितने दिन में आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी, इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर आपका सब कुछ ओके है, जैसे मान लो मैं अभी आपको बताया कि अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन अपलोड किए हैं, ठीक है, आपका नाम अच्छे से भरा, एड्रेस अच्छे से भरा, सब कोई भी गलती नहीं हुई है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम सब आके अटकती है डॉक्यूमेंट्स पे, डॉक्यूमेंट्स बस आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई कुछ बच्चे होते हैं ब्लैकिश अपलोड करते हैं, ना उसमें फेस अच्छे से दिखता है, ना किसी का रोल नंबर अच्छे से दिखता है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि कुछ भी पढ़ा ना जाए, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, अगर आपका सारा कुछ ओके है तो मैक्सिमम आपको मिनिमम 7 दिन के अंदर एडमिशन मिल जाएगी, मतलब 7 दिन के अंदर आपका एडमिशन के जो है वो प्रोसीजर आपका डन हो जाएगा, मैक्सिमम आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको 2-2 महीने भी कई बार लग जाते हैं, तो इसमें आपको वेट कर सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी हेल्प डेस्क से बात कर सकते हो। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, बट मैं मेन प्रोसीजर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपका सारा कुछ नीट एंड क्लीन अपलोडेड है तो मैं मिनिमम आपको 7 दिन के अंदर आपको जो एडमिशन मिल जाएगी, या 7 या 10 दिन के अंदर अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एडमिशन है वो हमें मिल चुकी है, हाउ डू यू नो एडमिशन शुड बी कन्फर्म्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि एडमिशन जो है वो आपको कन्फर्म हो चुकी है। देखो बच्चों, जब आप एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करोगे, ठीक है, तब उस टाइम पे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आपका फोन नंबर मांगेगा, जब आप पोर्टल ओपन होगी, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर रहे हो तो सारा जब आपका बायोडाटा मांगेगा तो उसमें आपकी ईमेल आईडी भी होगी और फोन नंबर भी होगा। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगी तो इमीडिएटली आपको मेल भी आ जाएगी और इमीडिएटली आपके फोन पे मैसेज भी आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन योर एडमिशन इज शुड बी कंफर्म्ड, मतलब आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म्ड हो चुकी है। और साथ में आपको एक लिंक भेजा जाएगा, लिंक ओपन करके आप अपने आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, आओ जो आईडी कार्ड है उसको कलर ही डाउनलोड करें, वो जितने भी देर आपने उस इग्नू में रहना है 2 साल 3 साल वो आईडी कार्ड आपका चलेगा, तो उसको संभाल के रखें, ठीक है, साथ में आपका आईडी कार्ड का जो है लिंक आ जाएगा, तो इसका मतलब आपकी जो एडमिशन वो जाके कंफर्म्ड हो गई है। अब दूसरा बात देते हैं कि अगर मैसेज नहीं आता, ठीक है, तो अगर जिन बच्चों की कंफर्म नहीं होती तो उन्हें कैसे पता लगेगा। देखो बच्चों, अगर आपकी एडमिशन नहीं भी कंफर्म्ड हुई तो आपको भी मैसेज या मेल आएगी
कि जो आपकी एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट क्यों किया गया है वहां पे साथ में मेंशन भी होगा रीजन कि इस रीजन की वजह से आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट होता है तब आपने हिम्मत नहीं आनी, रजिस्ट्रेशन फीस ही है, रिफंड आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करके जो है अप्लाई करना ही करना है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि मेरा एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया मैं दूसरी बार नहीं अप्लाई कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, आप दो बार तीन बार जितनी बार मर्जी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो गलतियां आपकी निकली होंगी उसको सुधार के ही अपलोड नेक्स्ट टाइम करना, ठीक है। दोबारा से वही सेम गलती मत कर देना वरना फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका एडमिशन कैसे। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की। जब आपकी एडमिशन कंफर्म्ड होगी, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ आपको मिल गया, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल का, कि स्टडी मटेरियल इग्नू की तरफ से ऑप्शन आता है कि स्टडी मटेरियल आप में आप क्या लेना चाहते हो। दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप बोलेगा वो बुक्स लेना चाहते हो या ऑनलाइन पीडीएफ लेना चाहते हो, ठीक है। बुक्स क्या होता है और ऑनलाइन पीडीएफ, देखो कुछ बच्चे ऐसे प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन पीडीएफ की आपके फोन में वो पीडीएफ भेज देंगे, बस पूरे सेमेस्टर में आपने वहीं से पढ़ के जो एग्जाम देना है, ठीक है। तो और उसके लिए पीडीएफ वाले बच्चे क्यों चूज करते हैं, क्योंकि अगर आप पीडीएफ चूज करते हो तो आपकी फीस में जो हल्का फुल्का आपको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसलिए बच्चे जो है वो ऑनलाइन पीडीएफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि फीस में हल्का फुल्का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर बुक्स चूज करते हो तो अब आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, और ये सारा का सारा जो मटेरियल है बुक्स भी आपके घर में आएंगी, बुक्स के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ये सारा का सारा आपका फी के अंदर इंक्लूडेड होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है। आप अपने हिसाब से बुक्स लेना चाहे तो बुक्स ले सकते हो, ऑनलाइन पीडीएफ लेना चाहे तो ऑनलाइन, अगर जो बच्चे फोन से पढ़ना पसंद करते हैं तो वो तो ऑनलाइन पीडीएफ ले सकते हैं, जिन बच्चों को फोन से पढ़ने में दिक्कत आती है, आईज वगैरह दर्द होती है तो वो बुक्स लें। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप बुक्स ही लें, क्योंकि आईज हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, तो ऑनलाइन पीडीएफ के लिए आप ज्यादा प्रेफर ना करें, ठीक है, आप बुक्स से आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं असाइनमेंट सबमिट डेट। अब आपको असाइनमेंट कब सबमिट करवानी होती है, देखो बच्चों अब आपकी जो एडमिशन जो है वो जून के लास्ट में हो रही है, यानी कि जुलाई में आपका जो मान लो बैच शुरू हो गया, तो अगर आपको जुलाई में बैच शुरू हो जाता है तो 30 सितंबर तक आपको अपनी असाइनमेंट जो सबमिट करवानी होती है, और ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसके जो मार्क्स है आपके फाइनल एग्जाम में लगेंगे। अगर आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं है तो आपके ऊपर बहुत तकड़ा वाला एक्शन लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, आपको फाइनल में बैठने भी नहीं दिया जा सकता फाइनल में, और प्लस आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि असाइनमेंट अपनी सबमिट जरूर करवा देना, बिना असाइनमेंट सबमिट के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी को फेस करना पड़ सकता है। तो 30 सितंबर तक आपको अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा देनी। अब जो जनवरी बच्चे वाले जिन्होंने जैन में एडमिशन लेनी है, ठीक है, बाकी सारा उनके लिए प्रोसीजर सेम ही रहेगा, उनको 31 मार्च तक जो अपनी असाइनमेंट जो है सबमिट करवानी होती है, 31 मार्च तक जिन बच्चों की एडमिशन जनवरी में होती है, ठीक है, जिन बच्चों के जून जुलाई में होगी उनको 30 सितंबर तक जो आपका असाइनमेंट सबमिट करवानी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की, ये एग्जाम कब होते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला सेशन है हम जून जुलाई वाला, इनके जो एग्जाम होते हैं ये दिसंबर में आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में आपके जो फाइनल एग्जाम्स लिए जाएंगे। और उसके बाद दूसरे प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, जिन बच्चों के एडमिशन जनवरी में होते हैं उनके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो जून में होते हैं, यानी कि जो जनवरी वाला बैच होता है उनके फाइनल एग्जाम जून में, और जो बैच है जून जुलाई वाला होता है उनके फाइनल एग्जाम दिसंबर में, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप मैंने आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी भी आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो इतनी सारी मेहनत लगती है इतना सारा डाटा कलेक्ट करने में और आप तक पहुंचाने में, ठीक है, आपको सिर्फ जस्ट 2 सेकंड लगेंगे एक चैनल सब्सक्राइब करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।